हिमांदा लक्कड़हारा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब लक्कड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह गांव के समीप स्थित जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उसे बाजार में बेचकर पैसा कमाता था। इस तरह उसकी और उसके परिवार की गुजर बाजार चल रही थी। एक दिन वह जंगल में नदी किनारे लगे एक पेड़ के लकड़ियों काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, जिसमें उतरकर कुल्हड़ी निकाल पाना लक्कड़हारे के लिए संभव नहीं था। लक्कड़हारे के पास एक ही कुल्हड़ी थी। उस कुल्हड़ी के नदी में गिर जाने से वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास जीविका चलाने का कोई और साधन नहीं था। वह दुखी होकर नदी किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान, मेरे कुल्हड़ी मुझे वापस दिला दीजिए। लक्कड़हारे के सच्चे मन से की गई प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र तुम्हें क्या समस्या है? लक्कड़हारे ने कुल्हड़ी नदी में गिरने की बात भगवान को बता दी और उनसे याचना की कि वे उनकी कुल्हड़ी वापस दिला दें। उसकी याचना सुनकर भगवान ने नदी के पानी में हाथ डालकर एक कुल्हड़ी बाहर निकाली। वह कुल्हड़ी चांदी की थी। भगवान ने लक्कड़हारे से पूछा, पुत्र क्या है तुम्हारी कुल्हड़ी है? लक्कड़हारा बोला, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हड़ी नहीं है। भगवान ने पुनः अपना हाथ पानी में डाला। इस बार उन्होंने जो कुल्हड़ी निकाली वो सोने की थी। उन्होंने लक्कड़हारे से पूछा, पुत्र क्या ये तुम्हारी कुल्हड़ी है? लक्कड़हारी बोली, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हड़ी नहीं है। भगवान बोला, इसे अच्छी तरह से देख लो, ये सोने की कुल्हड़ी है, क्या वास्तव में ये तुम्हारी नहीं है? नहीं भगवान, लक्कड़हारा बोला, सोने की इस कुल्हड़ी से लकड़ियां नहीं काटती, ये मेरी नहीं, किसी काम की नहीं है, मेरी कुल्हड़ी तो लोहे की है। भगवान मुस्कुराए और फिर से पानी में हाथ डाल दिया। इस बार जो कुल्हड़ी उन्होंने निकली वह लोहे की थी। वह कुल्हड़ी लक्कड़हारे को दिखाते हुए भगवान ने पूछा, पुत्र क्या ये है तुम्हारी कुल्हड़ी? इस बार कुल्हड़ी देख लक्कड़हारा प्रसन्न हो गया और बोला, भगवान यही मेरी कुल्हड़ी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान लक्कड़हारे की ईमानदारी देख बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें लोहे की कुल्हड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हड़ी भी देता हूँ। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लक्कड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। सीख, सदा ईमानदार रहें, ईमानदारी सदा सराही जाती है।